राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, यदि दीपावली पर आपको ये चीज़ें दिख जाएं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आप पर आरंभ हो गई है बरसनी। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आप पर निश्चय ही है और आपका जो पूजन है दीपावली का, वो माँ लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया है। तो कैसे आपको पता चलेगा, यह इस वीडियो में आप जानेंगे। इनमें बताए गए जो संकेत हैं, यदि वह आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप समझिए माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके ऊपर अवश्य है। इससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, दिनों रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। योग वैद्युति करण बबोर बालम। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 2:18 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक और शाम को 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार सेम से बनी हुई सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। धनिये का प्रयोग आप कर जाएं, उसको ग्रहण करके जाएं, यात्रा लाभप्रद रहेगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और जानते हैं वह कौन से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा हम पर बरस रही है। क्योंकि बड़े ही प्रेम और भाव के साथ हम धनत्रयोदशी पर पूजन करते हैं, चतुर्दशी पर पूजन करते हैं और अमावस्या पर माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं, लेकिन वह पूजन माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया है या नहीं किया है, या कब से हमारा भाग्य उदय होने वाला है, इसके संकेत हमें दीपावली वाले दिन अवश्य प्राप्त होते हैं। तो जानिए किस प्रकार से, कौन कौन से संकेत हैं। तो सबसे पहला संकेत है घर में छिपकली का दिखना। सामान्य तौर पर सभी घरों में छिपकलियां रहती हैं, लेकिन यदि दीपावली वाले दिन आपको छिपकली दिखाई दे जाए, तो आप समझिए कि शीघ्र आपका भाग्योदय होने वाला है, माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आप पर बरसने वाली है। ऐसा आपको विचार कर लेना चाहिए। यह संकेत है आपके भाग्योदय का, यह संकेत है आपकी उन्नति और प्रगति का। ऐसे ही अगला संकेत है माँ लक्ष्मी का जो वाहन है, प्रिय वाहन, सभी जानते हैं कौन, उल्लू। यदि दीपावली के दिन, जो दीपावली की रात्रि है, या दिन में भी आपको उल्लू जी के दर्शन हो जाते हैं, यानी लक्ष्मी जी का जो वाहन है उनके दर्शन हो जाते हैं, तो आप समझिए कि शीघ्र आपको धन लाभ होने वाला है। और जब धन लाभ होगा, तो माँ लक्ष्मी की कृपा समझिए आप पर निश्चय ही बरसने वाली है। उन्हीं की कृपा के पश्चात आपको धन लाभ प्राप्त होता है। तो यह भी एक श्रेष्ठ संकेत है आपकी उन्नति, प्रगति और भाग्योन्नति के लिए। अगला संकेत है किन्नरों का दिखना या अचानक से उनका मिल जाना। यदि आपको कहीं नजर आ जाते हैं, तो आप अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर, यदि आपके पास हैं, तो उनको भेंट में दें और उनसे वापस में एक सिक्का ले लें और उसको अपने पास रखें, तो यह भी एक लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ संकेत है कि निरंतर आपको प्रगति प्राप्त होने वाली है आने वाले समय में। बड़ा ही सुंदर यह संकेत है। अगला संकेत है अचानक से गिरे हुए पैसे का मिलना मार्ग में। यदि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, या घर से अपने व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, रास्ते में आपको कोई भी कॉइन मिल जाए, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 10 का नोट या जो भी पैसे, धन का घिरा हुआ मिलना, धनतेरस वाले दिन, चतुर्दशी वाले दिन या दीपावली वाले दिन, यदि आपको अचानक धन प्राप्त होता है, तो आप उस धन को उठा लें, उसको खर्च आपको नहीं करना है किसी भी कार्य में। उसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां गंगा जल से उसको शुद्ध करके, उसके ऊपर छींटे लगाकर लाल वस्त्र में करके आप वहां रख सकते हैं। तो यह भी आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ और मंगल प्रदायक रहेगा, लक्ष्मी प्रदायक रहेगा। तो माँ लक्ष्मी की कृपा के संकेत इससे भी आपको प्राप्त होते हैं। अगला संकेत है बिल्ली का दिखना। बाकी समय में तो आप देखते हैं
बिल्लियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं, लेकिन बिल्ली का दीपावली वाले दिन आपके घर में प्रवेश या घर के आसपास भ्रमण करना आपके लिए आपके भाग्य को चमकाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा के ये संकेत हैं कि लक्ष्मी का आगमन आपके घर होने वाला है। यदि आपके घर बिल्ली आई है, भ्रमण किया है, घूमी है, तो आप समझिए लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, आपको धन लाभ होने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, ऐसा आपको समझना चाहिए। यदि आपको कोई भी स्वप्न में हरी चीज दिखाई दे या प्रातः काल दीपावली वाले दिन आप उठें तो अचानक से कोई हरी सब्जी या कोई हरी वस्तु का दर्शन आपको हो तो यह भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। या आपको अचानक से कोई गन्ना इक्षु यानी गन्ना जिसे कहते हैं उसके दर्शन हो जाए या कोई आपको दे जाए तो वह भी आने वाले समय में आपके लिए भाग्यप्रदायक धनदायक रहने वाला है। दीपावली वाले दिन अचानक से जब आपकी निद्रा खुले तो शंख की ध्वनि यदि आपको सुनाई देती है तो यह भी आपके लिए श्रेष्ठ भाग्योदय कारक रहेगी, लाभप्रद रहेगी। तो ऐसे ही और भी अनेक संकेत हैं, लेकिन ये कुछ संकेत हमने आपको बताए हैं। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ घटित होता है या आपको लगता है कि यह संकेत मेरे साथ घटित हुए हैं तो आप मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आने वाले समय में आप पर बरसने वाली है और आपका जो पूजन है वह माँ लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। और भी अनेक ज्ञानप्रद सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी है तो लाइक करें और आप आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।